नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में देखिएगा रीट लेवल वन का पेपर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर यानी कि जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे वो सेम टू सेम पूरे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। यहाँ पर पूरा यानी कि देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया था मनोहर टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद देखिएगा मैं आंसर की बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हमने बताए थे उनमें से कितने यहां पर आए गए थे। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो यहां पर कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, देखिएगा ये पूछा है यहां पर। और देखिएगा आ में सु कोणी बोली राजस्थान में नी बोली जे, यहां पर इसका आप बताइएगा यहां पर। देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। महिला चित्रकारों में कमला वेव इलायची के नाम से किस चित्रकार शैली में संबंधित है, तो यह देखिएगा नाथ द्वारा से। यह मैंने कम से कम तीन से चार बार क्वेश्चन आपको बता दिया था यानी कि वहां पर चित्रकला शैली में। और देखिएगा यहां पर कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि को क्या कहा जाता है, यह भी मैंने आपको बता दिया। यहां पर सातवें नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा यहां पर जो सातवें नंबर का क्वेश्चन है, यह भी मैंने आपको बता दिया था। बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की थी, तो पृथ्वीराज राठौर ने की थी, आपको पता है। और यहां पर देखिएगा स्त्री बोरला नामक आभूषण कहाँ पहनती है, तो ये सिर में पहनती है यहाँ पर, ये भी देखिए मैंने आपको बता दिया था। यानी कि आठ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए और आठों में से सात से छः क्वेश्चन मैं आपको हमारे वीडियो में, हमारी क्लास में, हमारे ऐप में, मैराथन क्लास में सब मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, ये इधर की साइड यहाँ पर देखिएगा जो पेपर है यहाँ पर, आप इधर की साइड यहां पर जो पेपर है यहां पर आप देख लीजिएगा, यानी कि चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है, तो ये देखिएगा ये जो पशु मेला है वो आपको पता है झलरापाटन में लगता है। बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता के कर्म स्थल रूप में बनाया है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। यहां दसवीं नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, ये देखिएगा कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे, तो आपको पता है किशनगढ़ शैली से इसका संबंध रहा है। और यहां पर देखिएगा राम स्वरूप किशन रो कहानी रो, ये देखिएगा ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। अगला देखिएगा 1938 में करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी, तो ये मैंने आपको बता दिया था किसने की थी, त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। अगला देखिएगा जहांगीर, यहां पर देखिएगा जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस शासक मनसब में कमी कर दी थी, ये क्वेश्चन यहां पर देखिएगा। 14 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और 14 में से 10 क्वेश्चन मैंने आपको हमारे वीडियो, हमारी क्लास, मैराथन क्लास में बता दिए थे। अगला देखिएगा मेजाबांध कहां पर है, ये देखिएगा मेजाबांध मैंने आपको बताया कोठारी नदी पर है यहां पर। देखिएगा अगला देखिएगा यहां पर कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी, जिसे विवाह के विवाद राजपूताना राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी, तो ये कहाँ की राजकुमारी थी, उदयपुर की थी। बिसल देवरासो किण भातरो काव्य है बताएगा। और देखिएगा राजस्थान में, राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है, और देखिएगा यहाँ पर कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है, ये देखिएगा कितने सरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए आप लोगों से। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होती है, तो उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन होती है। आदिकालीन चारण शैली के रचयिता कौन है, यहां पर देखिएगा। और यहां पर देखिएगा गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, यह देखिएगा। निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं आता, ये मैंने आपको करवाया था। और देखिएगा मारवाड़ी पन्ना धायक किसे कहा जाता है, तो ये देखिएगा गौरा धायक को कहा जाता है। मुकुंद्रा की पहाड़िया कौन से जिले में स्थित है, तो मुकुंद्रा की पहाड़िया आपको पता है झालावाड़ में और कोटा में स्थित है। और निम्न में से कौन सा फड़वाचन से संबंधित है, ये देखिएगा फड़वाचन कौन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। रखड़ी और टोडी क्या है बताएगा, रखड़ी टोडी आभूषण है देखिएगा यहाँ पर। और देखिएगा यहाँ पर चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता किसने किया था, यहां पर देखिएगा कितने सरल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस पेपर के माध्यम से। बनास नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछा गया है यहां पर। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से किठनी बोली जावे, यहां पर बताइएगा हाड़ौती बोली कहां बोली जाती है, मैंने आपको बताया कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। और देखिएगा राजस्थान लोक साहित्य दिसु हरजस क्या है, हरजस एक लोकगीत है यहां पर देखिएगा, यह 35वें नंबर का है, यह मैंने आपको करवा दिया है यहां पर।
पर, और देखिएगा कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन था, ये मैंने आपको करवा दिया था यहाँ पर। और देखिएगा यहाँ पर बरखान क्या है, बरखान मैंने आपको करवा दिया यहाँ पर, रेतीली के यहाँ पर देखिएगा जो टीले है उसको बरखान कहा जाता है। और देखिएगा यहाँ पर कितने नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे गए यहाँ पर, और भी मैं आपको आंसर की अभी लेकर आ रहा हूँ इन सारे प्रश्नों की। यहाँ पर राजस्थान में बालर कृषि का प्रकार है, स्थानांतरण कृषि का प्रकार, राजस्थानी राम कथा के आधार पर रामायण ये देखिएगा, और देखिएगा मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, ये नॉर्मल क्वेश्चन। और देखिएगा यहाँ पर जसनाती संप्रदाय की प्रमुख कीट पीठ यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे यहाँ पर, कितना नॉर्मल पेपर आपसे पूछा गया है यहाँ पर, यानी कि जो मैंने आपको बताया था, जो मेरी मैराथन क्लासेस सारे क्वेश्चन, यानी कि मैंने आपको बताया था कि 65 से 70% फंसेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 95% क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे मॉडल टेस्ट पेपर, हमारी मैराथन क्लास से फंसे हैं यहाँ पर। आप देख लीजिएगा यहाँ पर पूरी मैराथन क्लास में देख लीजिएगा एक एक क्वेश्चन यहाँ पर, ये देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, ये भी मैंने आपको करवा दिया था यहाँ पर, ये सारे अभी मैं आंसर की लेकर आ रहा हूँ इनकी सभी की। यहाँ पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर सरसों अनुसंधान केंद्र, ये मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर में करवा दिया है यहाँ पर, कहाँ है यहाँ पर, भरतपुर में हो जाएगा यहाँ पर, कितने नॉर्मल क्वेश्चन। राजस्थान राज्य अधिकारिता नृत्य कौन सा है, ये देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। और यहां पर सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो यहां पर, अभी मैं इसकी आंसर की लेकर आ रहा हूं यहां पर, और देखिएगा यहां पर, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, पेपर बहुत अच्छा है यहां पर।